हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ, क्योंकि रिसेंटली मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने कुछ सूट पीसेस खरीदे हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ कपड़े खरीदूंगी, उसके बाद उसको कस्टमाइज कराऊंगी। आई नो दिस टाइम इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आपको इजीली इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कस्टमाइज कराने का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और आपने अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस जो है वो वेयर करी होती है। क्योंकि मुझे बहुत शौक है डिज़ाइनिंग का। जब भी मैं जब मार्केट गई एक्सप्लोर करने, तो कुछ सूट पीसेस अच्छे लगे जिसको कि मैंने ग्रैब कर लिया, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लाइक रक्षाबंधन है, सावन है, तो इस पर्पज़ से मैंने जो है कुछ सूट पीसेस खरीदे। और मैं इनकी किस तरीके से स्टिचिंग कराती हूँ, किस तरीके से मैं इनको डिज़ाइन करती हूँ, ये मैं आपको कभी दिखाऊंगी और इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर पोस्ट कर दूंगी पिक्चर्स। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, देन प्लीज़ फॉलो मी देयर। एंड जब ये सूट सारे मैं स्टिच करा लूँगी, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको डिज़ाइन करा है। आज मैं सिर्फ आपको सूट पीसेस दिखाने वाली हूँ और इजीली आपको भी मिल जाएगी, और आपको भी अगर शौक है अपने कपड़े खुद कस्टमाइज कराने का, तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, क्योंकि येलो कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, फैशन में भी है, 2022 में वैसे भी येलो कलर ट्रेंड करने वाला है। सो दिस इज़ नॉट मैंगो येलो काइंड ऑफ कलर, बट कुछ इस टाइप का ये येलो कलर है। आई डोंट नो इस कलर को क्या कहते हैं, बट फेस्टिवल्स में इस तरीके के जो कलर्स हैं ना, ब्राइट कलर्स, वो आपके लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ केसरिया कलर, और क्या कहें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कलर को क्या कहूँ, तो फिलहाल तो मैं इसको येलो में ही नाम दूंगी कि दिस इज़ येलो काइंड ऑफ कुर्ती। एंड इस पर इस तरीके से गोटा पट्टी काइंड ऑफ वर्क किया गया है, अगर आप आज से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लाइक दिस। और ये यहाँ पे कढ़ाई की गई है रेड फ्लावर्स की, और ये गोटा पट्टी काइंड ऑफ वर्क है, जो कि इसके स्लीव्स पे भी, यानी कि नीचे भी दिया गया है इसके दामन पे, एंड उसको हम अपने स्लीव्स में भी ऐड करा सकते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट सूट सेट, एंड दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव बिकॉज, सो ये जो सारे सूट पीसेज हैं 100% कॉटन है, इसलिए थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो ये वाली कुर्ती नियर अबाउट 2000 के आसपास है। दिस इज़ द दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, जो कि ये भी कॉटन का ही है। एंड इसके साथ इसका जो पैंट है वो मुझे ऑलरेडी स्टिच मिला है, तो मुझे इसके पैंट को स्टिच नहीं कराना होगा। दिस इज द बॉटम, सिंपल पैंट है। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट कुर्ती। नाउ मूव टू द सेकेंड कुर्ती, विच इज ऑल्सो येलो कॉम्बिनेशन, आप यू कैन आप इसको मेहंदी कलर भी कह सकते हैं। सो आई थॉट कि मैं इसको अंगरखा स्टाइल में स्टिच कराऊंगी, एंड दिस कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये कलर, एक्चुअली दैट्स व्हाई आई परचेज। बॉटम पे कुछ इस तरीके का वर्क है। सो ये वाला सूट और एक और सूट है जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी, ग्रीन कलर का है। सो वो उन दोनों सूट के लिए मैंने कुछ अच्छा सा सोचा है डिज़ाइन, एंड लेट्स सी कि हमारे टेलर जो है वो बना पाते हैं या नहीं। एंड इसके साथ भी जो हमारा इसका जो पैंट है वो स्टिच आया है, कुछ इस तरीके से इसके बॉटम पे वर्क है। नॉर्मल दिस इज द पैंट, एंड दिस इज द शिफॉन, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है। जो नेक्स्ट सूट है, क्योंकि सावन आ रहा है इसलिए मैंने ग्रीन कलर में ये इन्वेस्ट किया है, और कुछ इस तरीके का है, इस पर फ्लोरल प्रिंट है ये। सो मैं इसका फ्लोरल सूट बनवाने वाली हूँ, एंड ये कुछ इस तरीके की इस पर डिटेलिंग दी गई है। साथ ही इसका बॉटम जो है वो इस तरीके का, सेम ही कलर है। एंड जो दुपट्टा है, इट्स ऑल्सो शिफॉन फैब्रिक का है ये दुपट्टा। इन सारे ही सूट सेट में सबसे अच्छी बात है कि इनके जो दुपट्टे हैं ना, वो काफ़ी ऐसे बहुत शॉर्ट नहीं है, विच इज़ फाइन। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा जो है वो 2.5 मीटर का है पूरा। सो ये इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सूट, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रीन कलर, बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट मुझे ग्रीन कलर और येलो कलर, रेड कलर, दीज कलर्स फेस्टिवल्स में बहुत ही ज़्यादा आपके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। साथ ही साथ बहुत पॉपअप होके ये कलर निकल के आते हैं, और क्योंकि सावन महीना भी आ रहा है
और मानसून सीज़न में स्पेशली मुझे ग्रीन कलर पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए भी मुझे ग्रीन पसंद आ गया। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ग्रीन में ही लूँगी, बट क्योंकि पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीन कलर सूट एंड बस इसके फ्रंट पे कुछ इस तरीके का वर्क है, बाकी ओवरऑल ये प्रिंटेड सूट है, कुछ इस तरीके का इस पर प्रिंट है एंड कुछ चेक वर्क भी है इसमें, आप पास से देख सकते हैं। एंड इसका जो बॉटम है, फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट कॉटन, तो बहुत ही खूबसूरत ये वाला मतलब कपड़ा है इसका। और बाकी नीचे इसमें प्लेन है, दामन पे कुछ ऐसा वर्क नहीं है, दिस इज प्लेन सूट। और इसका जो दुपट्टा है वो कॉटन का है कुछ इस तरीके से। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड लेट्स सी कि बनने के बाद कैसा इसका लुक आता है। नाउ मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज रेड कलर का सूट लिया मैंने, बिकॉज जब तक आप फेस्टिवल्स में कुछ रेड कलर दिया ना करो तब तक आपका फेस्टिवल पूरा ही नहीं होता है, लाइक कंप्लीट ही नहीं होता है। सो दिस इज अ रेड कलर का ये सूट है कुछ इस तरीके का, ये कुछ वर्क है इस पर दिया हुआ। बॉटम पे भी कुछ ऐसा वर्क आपका आएगा दामन पे नीचे। एंड बेसिकली इट्स अ कॉटन सिल्क, तो ये थोड़ा सा सिल्क टच में है एंड दिस इज अ बॉटम विच इज प्योर कॉटन। इसका जो दुपट्टा है विच इज ऑल्सो इट्स आई थिंक जॉर्जेट फैब्रिक और कुछ इस तरीके का कंट्रास्ट दुपट्टा है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, इसलिए शायद इस तरीके से पूरा वर्क है दुपट्टे में। एंड जो मैंने आपको फर्स्ट सूट दिखाया था गाइस, दिस वन, सो ये ग्लेज कॉटन है, इट्स नॉट कॉटन, कॉटन में ही कई सारी वैरायटी आती है, सो दिस इज अ ब्लेज कॉटन, यू नो यू कैन से सिल्क कॉटन का ही एक रूप होता है ब्लेज कॉटन। तो इस कपड़े में थोड़ी एक अलग शाइनिंग होती है, लाइक आप देख रहे होंगे इस कपड़े में एक थोड़ी सी मतलब प्योर कॉटन कपड़ों में इतनी शाइनिंग नहीं थी, कुछ उस टाइप की। और इसको अगर हम यू नो आयरन करते हैं तो विच इज़ गुड, लेकिन अगर हम विदाउट आयरन भी इसको पहन लेते हैं सो ये उतना बुरा नहीं लगेगा, जबकि प्योर कॉटन सूट अगर आप विदाउट आयरन पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यू नो विजिबल होता है। सो ब्लेज कॉटन की ये थोड़ी सी खासियत है, सो दिस इज़ अ ब्लेज कॉटन। सो गाइज दीज ऑल आर माई शॉपिंग हॉल एंड इन सभी की मैं रिसेंटली करवाने जा रही हूँ स्टिचिंग, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सो फेस्टिवल्स में मैं इनको स्टाइल करूँगी। सो आप सबके साथ मैं ज़रूर लुकबुक शेयर करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी दैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।